हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा बुलेरो नियो N10 और जो कि महिंद्रा की जानी मानी SUV है और जो कि सबसे ज़्यादा बिकती है। और एक ये गाड़ी 7-सीटर SUV है जो कि काफ़ी अच्छी है। इस गाड़ी में आपको मॉडल मिल जाते हैं N4, N8, N10 और N10 ऑप्शनल, जो कि 4 मॉडल होते हैं इस गाड़ी के। कुछ ऐसी दिखती है सामने की तरफ से। और ये है इस गाड़ी का महिंद्रा का लोगो क्रोम फिनिश में। और ये इस गाड़ी क्रोम ग्रिल जो कि आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और गाड़ी के इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि इंडिकेटर के साथ है। और डिगारन भी मिल जाते हैं आपको इस गाड़ी के, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। और ये इस गाड़ी के फॉग लैंप आप लोग देख सकते हैं जैसे कि। और इधर आपको सामने की तरफ में सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाती है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके में। और इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर के डीजल एमहॉक इंजन मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 100 पीएस की। और इस गाड़ी में आपको माइलेज मिलता है 17.32 KMPL का, जो कि काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाता है इस गाड़ी में। और इस गाड़ी की आपको प्राइसिंग मिल जाती है 12.89 लाख की, जो कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। एक SUV सेगमेंट की गाड़ी है ये, और ऐसे प्राइस में कोई भी SUV ज़्यादातर नहीं आती है। ये इस गाड़ी की चाबी, इसमें आपको फ्लिप की मिल जाती है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपको लॉक, अनलॉक करेंगे तो ये डीआरएस भी जाते हैं LED फिनिश में, जो कि काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये पार्किंग वाला स्विच मिल जाता है, जैसे कि आपकी गाड़ी पार्किंग खड़ी और आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे तो ऐसे दबाएंगे तो ये आवाज़ करेगी, तो फिर आपको पता चले कहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी है। तो चलिए अब इस गाड़ी की साइड की हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी दिखती गाड़ी साइड की तरफ से। और ये इस गाड़ी के 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स जो कि काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं। यह है इस गाड़ी की व्हील आर्च क्लाउडिंग जो कि आप लोग देख सकते हैं। और इस गाड़ी की डोर क्लाइडिंग आपको ऐसे मिल जाती है डोर हैंडल्स की तरफ में। ये जो डोर क्लाइडिंग मिलती है ये स्टार्टिंग टू एंड तक का होती है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके में है। और डोर हैंडल्स ब्लैक फिनिश में होते हैं ना, ये एकदम इस गाड़ी को स्पोर्टी लुक देते हैं। वैसे भी ये SUV तो स्पोर्टी लुक तो मिलना ही चाहिए। और ये इस गाड़ी के इंडिकेटर आप लोग देख सकते हैं, ORVs पे इंडिकेटर नहीं मिलते हैं। और ये इस गाड़ी की फुटस्टेप्स। और इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है 180 mm, जो कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। तो चलिए अब इस गाड़ी का हम लोग अंदर चल के और बातें करते हैं। तो कुछ ऐसी दिखती गाड़ी अंदर की तरफ से, आप लोग देख सकते हैं। ये इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक में है। और इधर आपको ये लेदर रैप नहीं मिलता है, लेदर रैप आप इसे एसेसरीज के तौर पे आप करवा सकते हैं। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, सेट का भी मिल जाता है। यहाँ से आप इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम का, SRS का, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पर आपको इस गाड़ी का MID मिल जाता है, यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हैं। MID को आप यूज़ कर सकते हैं इधर से। ये आपको किलोमीटर्स रीडिंग बताता है, मतलब कि एक आता है ऐसे वाले की किलोमीटर्स वाला और एक ये वाले आते हैं, आपको दिखाता हूँ। तो ये गाड़ी में दोनों तरीके के आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीका है एक किलोमीटर्स को बताने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके में है। और ये इस गाड़ी का हॉर्न मैं आपको बता देता हूँ, जो काफ़ी अच्छा है। और इस गाड़ी में आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं, एक ड्राइवर साइड और एक को ड्राइवर साइड, जो कि काफ़ी अच्छे हैं एयरबैग्स हैं। और इधर आपको कोई भी वैंटी मिरर नहीं मिलता, आपको दिखा देता हूँ। और इधर आपको वैंटी मिरर मिलता है। और ये इस गाड़ी का कैबिन लाइट आप लोग देख सकते हैं, ये आपको ऑन मिल जाएगा। तो फिर ये आपका ये हेलोजन बल्ब में है, जो कि काफ़ी अच्छा है। खैर, और जो इस गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, ये टच स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इसे, इसके टच को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन ऐसे आप कर सकते हैं यहाँ से। और ये कैनबोर्ड का मिल जाता है, महिंद्रा की तरफ से प्रोवाइडेड होता है इस गाड़ी में। और इधर आपको ये इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स आपको दिखा देता हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गियर नूब मिल जाता है आपको। और फिर अभी मैं इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको दिखा देता हूँ। रिवर्स गियर इंगेज करने के लिए सबसे पहले आपको पूरा क्लच लेना है, ऐसे ऐसे गियर नूब करना और फिर ऐसे। देखिए, रिवर्स गियर इंगेज हो गया है। इसमें आपको सेंसर मिल जाते हैं, जो कि आपको पूरा बताएंगे।
कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता है इस गाड़ी में, आपको सेंसर मिल जाते हैं जो कि अच्छी इन्फॉर्मेशन पूरी आपको देते हैं। ये एसी के पूरा, ये यहाँ से आप एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्लाइमेट एसी नहीं है, ऐसी नॉर्मल एसी है, यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिल जाते हैं। ये 1000 लाइट स्विचेज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग, और इधर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, देख सकते हैं, और ये USB, और इधर आपको ऑक्स का मिल जाता है जगह, आप लगवा सकते हैं इसे ऑक्स। बाकी इसमें तो ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसमें तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है। इधर आपको थोड़ी जगह मिल जाता है, इधर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं आसानी से, और इधर भी आपको थोड़ी स्पेस मिल जाती है जो कि काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। और इधर आपको दो का फोल्डर मिल जाते हैं, एक इधर मिल जाता है, एक इधर मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको फैब्रिक अपहोस्ट्री सीट मिल जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं, पर ये फैब्रिक अपहोस्ट्री सीट काफ़ी कंफर्टेबल भी होते हैं। अब इस गाड़ी की इंजन नॉइज हम लोग अंदर की तरफ से सुन लेते हैं। तो अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखिए गाड़ी ऑन हो चुकी है अभी, और मैं अभी एक्सीलरेट थोड़ा करता हूँ, तो कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा इंजन साउंड कुछ भी नहीं आता, जबकि इस गाड़ी में आपको वो 1000 RPM मिल जाता है, पर फिर भी अच्छा है और काफ़ी अच्छी साउंड मिल जाती है क्वालिटी, और अंदर की तरफ में आपको कोई भी इंजन नॉइज नहीं मिलती, जो कि काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। बाकी आपको यहाँ पे MID पे आपको ये सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाते हैं, फ्यूल रिमाइंडर मिल जाता है, हैंड ब्रेक इंगेज है कि नहीं इधर आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ये इस गाड़ी का रियर व्यू मिला, यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी व्यू क्वालिटी मिल जाती है आपको, और यहाँ से आप अपने साइड ऑरियम्स को एडजस्ट कर सकते हो। आपको दिखा देता हूँ एक एडजस्ट करके, राइट का मैंने दबाया, अब मैं ऐसे करूँगा ना तो देखिए मूवमेंट हो रही है, माउस चल रहा है ना, देखिए ऐसे चल रहा है, देखिए ना, ऐसा आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आपको थोड़ा इको मोड्स मिल जाते हैं, ये लाइट का स्विच होता है, ये इको मोड ऑन कर सकते हैं यहाँ से आप, तो आपको अच्छा मतलब माइलेज वाइलेज सब अच्छा मिलता है इस गाड़ी में, तो इको मोड ऑन कर सकते हैं आप, और यहाँ से आप ये लाइट्स को स्विच कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइट्स के स्विचेस हैं, लाइट्स यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं इस गाड़ी की, ये वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब इस गाड़ी की हम लोग पीछे की सीट देख लेते हैं, तो कुछ ऐसी दिखती है इस गाड़ी की पिछली सीट, और ये सेकेंड रो सीट है, काफ़ी अच्छा आपको फैब्रिक मिल जाता है यहाँ पे अपहोस्ट्री, और काफ़ी कंफर्टेबल सीट है पीछे वाली और काफ़ी अच्छी दिखती हैं। और इधर आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है ड्राइव, इधर आपको मिल जाता है एक पैसेंजर का और इस साइड का, यहाँ से आप उसे ओपन कर सकते हैं, और आर्मरेस्ट भी काफ़ी कम्फर्टेबल है जो कि मैंने फील किया इस गाड़ी का। और इस गाड़ी में आपको इधर की तरफ में ग्रैब हैंडल मिल जाता है, आप लोग देख सकते हैं इस गाड़ी का। तो चलिए अब इस गाड़ी का हम लोग रियर व्यू देख लेते हैं, तो सबसे पहले आपको इधर बुलेरो नियो की बैजिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके में की गई है, ये N10 की बैजिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छा है, और इधर आपको स्पॉइलर मिल जाता है इस गाड़ी का, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए, और ये इस गाड़ी का डिफॉगर आप लोग देख सकते हैं, और ये इस गाड़ी के टेल लैम्प्स आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में है जो कि आप लोग देख सकते हैं, और इधर ही पीछे की तरफ में आपको स्टेफनी मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है इस गाड़ी का बूट स्पेस, इस गाड़ी में आपको 84 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है, और ये स्टेफनी कवर इस गाड़ी की आप लोग देख सकते हैं, महिंद्रा और बुलेरो की बैजिंग मिल जाती है, और जैसे कि ये 7-सीटर गाड़ी है तब भी काफ़ी अच्छा बूट स्पेस आपको मिल जाता है, और अगर आप ये सीट्स दोनों ये जो सीट्स हैं इसको फोल्ड कर देंगे ना तो और भी अच्छा आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। और ये इस गाड़ी का इंजन आप लोग देख सकते हैं 1.5 लीटर डीजल, और काफ़ी अच्छे तरीके में प्लेस किया गया है बोनेट के अंदर। और एक और फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाता है जो कि स्कॉर्पियो और सारी गाड़ियों में आता है, इसमें अगर आप बोनेट को खोलेंगे तो ये 1000 लाइट जो होती है ना ये चल जाती है अपने आप ही, जैसे कि ये स्कॉर्पियो जो आती है वो भी लैडर फ्रेम चेचिस पे बनी है, और उसी के साथ साथ ये गाड़ी भी लैडर फ्रेम चेचिस पे ही बनी है। लैडर फ्रेम चेचिस से क्या होता है, जो गाड़ी होती है वो काफ़ी दमदार बन जाती है। आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और को भी शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए महिंद्रा को तो फिर आप नारायण ऑटो मोबाइल में विजिट कर सकते हैं, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहता हूँ, थैंक यू।